इधर 6 वेयर हाउसेस हैं बेंगलोर में प्रोजेक्ट स्माइल ट्रस्ट के। इधर से लोगों को जो इस कोविड का जो प्रॉब्लम हो गया है और लोगों को माइग्रेंट वर्कर्स का जो उनका प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम के लिए इधर सभी किट्स बना रहे हैं। और किट्स में ये बना के आप देखोगे कि किट्स आपको दिखाएंगे कि किट्स में क्या क्या बनते हैं। ये किट्स इधर बना के ड्राई राशन रख के उन लोगों को नाम आइडेंटिफाई करके टेलीफोन नंबर्स उनके लेके उनके जाके वेरीफाई करके कि दे आर जेन्युइन, देयर इज नो डुप्लीकेशन, वो सब दे के हम लोगों को जाके किट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये पूरे ड्राई राशन है, इसमें 10 kg चावल है, इसमें 5 किलो आटा है, 2 किलो शुगर है, इसमें स्पाइसेस हैं, इसमें हल्दी और चिली पाउडर और दूसरी चीज़ें भी हैं, प्याज है, और इसमें ऑयल के 2 पैकेट देते हैं हम लोग। तो इसमें तकरीबन एक फैमिली को 15-20 दिन का तो इसमें इंशाल्लाह निकल जाएगा, गुजारा हो जाएगा। तो मकसद यही है कि इस वक्त जब हालात बुरे हैं और बाहर निकलने की मजबूरी है, तो इसीलिए हम लोग इसका ये किट्स बना के दे रहे हैं। हम रोटीज़ भी बांट रहे हैं और मील्स भी बांट रहे हैं। रोटीज़ का कह देता हूँ, रोटीज़ हम तकरीबन 45,000 रोटीज़ उसको पैकेट्स में बना के, ईच पैकेट उसमें 4 रोटी होते हैं, उसमें एक पिकल की पैकेट होती है और थोड़े खजूर डेट्स होते हैं। ये पैकेट्स हम बना के जो ट्रेन्स बेंगलोर से जा रहे हैं, जो बिहार जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, असम जा रहे हैं, उड़ीसा जा रहे हैं, उधमपुर जा रहे हैं, ये सारे ट्रेन्स को उधर जो माइग्रेंट वर्कर्स जा रहे हैं उनके लिए खाने की सुविधा नहीं है, इसलिए हम ये पैकेट्स बना के उनको देते हैं। 2 लीटर पानी, ये सारे चीज़ें हम देते हैं। तो इसीलिए हम ये कर रहे हैं कि डेली 45,000 रोटीज़ पैक कर रहे हैं। पैक करके हम इधर तकरीबन सारी रात काम चलता है, वॉलंटियर्स आते हैं, रमज़ान का महीना है लेकिन फिर भी वॉलंटियर्स आते हैं, वॉलंटियर्स आके पूरी रात काम करते हैं और सुबह ये ट्रेन्स के लिए पैकेट्स चले जाते हैं। और कि हम मुल्क दूसरों के लिए काम आएँ, ज़िंदगी खुद के लिए कर लेना बड़ी बात नहीं है, दूसरों के जब काम आते हैं उसी का है। बेंगलोर में जितने भी फ़िक्रमंद NGOs थे जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे थे, ऑल द NGOs जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे थे ऑलरेडी स्लम्स में, डिफरेंट एरियाज़ में, तो हमने उनको एक इनविटेशन दिया। डॉक्टर ताहा मतीन थे HBS हॉस्पिटल के, मैं था और थोड़े अदर NGOs ऐसे थे, तो वी यूनाइटेड देम, तो सबको हमने जोड़ने के लिए बोला क्योंकि ये मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। लॉकडाउन होने की वजह से जो है काफ़ी सारा तबका ऐसा है जो BPL के लाइन में आ जाता है बिकॉज़ उनके डेली अर्निंग्स बंद हो। हम लोग अभी 300 एरियाज़ इन बेंगलोर में ऑपरेट करते हैं एंड और हमारे जुड़ने की वजह से जो है हमारा एफर्ट जो है एकदम मल्टीप्लाई हो गया। तो जो लोग 1,000-2,000 किट बांट सकते थे थ्रू मर्सी मिशन, हम लोग अभी अल्हम्दुलिल्लाह मिलके तकरीबन 50,000 किट से ऊपर बांट चुके हैं और तकरीबन 6 लाख खाने से ज़्यादा हम लोग बढ़ चुके हैं। तो अभी हर एक एरिया में एक एक छोटा मर्सी किचन खुला हुआ है जहाँ से जिन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो अगर हमारे हॉटलाइन को कॉल करते हैं तो हमारे हॉटलाइन से हमारे वॉलंटियर्स, लोकल एरिया वॉलंटियर्स किचन से खाना लेके उनके घर तक उनको खाना पहुंचा देते हैं। BS हॉस्पिटल स्पीयर हेड कर रहा है डॉक्टर मतीन की लीडरशिप में, तो ये लोग इवन जो कोविड और नॉन कोविड डेथ्स हो जाते हैं तो उनकी जो लास्ट माइल जर्नी है तो HBS की एम्बुलेंस और स्टाफ के ज़रिए इनका लास्ट मिनट जर्नी करता है। एंड दिस इज़ फॉर ऑल फेथ, सभी रिलीजन के लोग के लिए हैं, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, तो उनको थोड़ा क्रिमोटोरियम तक लेके जाना हो वो PPEs पहन के। एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से अल्हम्दुलिल्लाह मर्सी मिशन को एक फुल अप्रूवल मिला है ऐसा काम करने के लिए और गवर्नमेंट भी हमारा काम अप्रिशिएट कर रही है। ये एक सर्विस टू ह्यूमैनिटी है और हम ह्यूमैनिटी को सर्विस करना चाहते हैं एंड हम बहुत थैंकफुल हैं DIPR डिपार्टमेंट के, कैप्टन मणिवलन के और कर्नाटका गवर्नमेंट के जो हमारे साथ काम कर रही है और हमारा पुलिस फोर्स की जो ज़बरदस्त काम कर रही है ऑन द फील्ड। एंड हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं सारे हेल्थ वर्कर्स, आशा वर्कर्स और डॉक्टर्स के जो हमारे लिए बहुत मेहनत से काम कर